हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल निंजा टेक्निक में स्वागत है। मेरा नाम है सुमन मित्रा और आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन साइड में जो कंक्रीट रेडी किया जाता है वो कैसे किया जाता है एंड कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। तो चलो वीडियो पे देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कंक्रीट बनाने वाला प्लांट। इसको बोला जाता है बैचिंग प्लांट, ठीक है। और ये रहा सैलो, इसमें सीमेंट स्टॉक किया जाता है। और ये है सीमेंट का गाड़ी, इसमें सीमेंट आया है, अनलोडिंग हो रहा है। और ये रहा हॉपर, इसमें एग्रीगेट डाला जाता है। तो चलो देखते हैं हॉपर में। तो दोस्तों, ये रहा हॉपर, इसमें लोडर से एग्रीगेट डाला जाता है, बालू और हो गया 10 mm 20 mm इधर डाला जाता है। और ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये ऊपर दिखा रहा है आप लोगों को, ये ऊपर बीम में जाके इधर स्टॉक किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा बीम। और इसमें देखिए चार अलग अलग पार्टीशन दिया हुआ है, इसमें 20 mm है, इसमें 20 mm है, और इस साइड में हो गया स्टैंड और इस साइड में हो गया 10 mm। तो दोस्तों, ये चारों मटेरियल जो है, नीचे गेट है, गेट से होके स्टीप में गिरता है और वो स्टीप लिफ्ट का जरिए ऊपर आके इधर मिक्सर में जाके डिस्चार्ज हो जाता है। और मिक्सर के अंदर में सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट मिक्स होके नीचे TM में गिर जाता है। और दोस्तों, ये रहा स्कीप, इसको बॉकेट भी बोला जाता है। और ये रहा मेटेरियल का गेट, इधर से ऑटोमेटिक स्कीप के अंदर में वेट हो जाता है एंड स्कीप ऊपर जाके मिक्सर में डिस्चार्ज होता है। चलिए अभी आप लोगों को लेके चलते हैं मिक्सर में। और दोस्तों, ये रहा मिक्सर, इसमें सब कुछ मिक्स होके लोडिंग हो जाता है नीचे TM में। तो चलिए मिक्सर के अंदर में आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा मिक्सर डोर, इसको खोला जाता है साफ सफाई करने के लिए। ये रहा मिक्सर, इधर से वो स्कीप आके मटेरियल गिराता है और इसमें से सीमेंट गिरता है और ऊपर से पानी भी गिरता है और इसमें मिक्स होता है। और दोस्तों, ये रहा सैलो, इसमें सीमेंट स्टॉक रहता है। और ये जो पाइप सा देख रहा है, ये स्क्रू कन्वेयर, इसके अंदर से सीमेंट जाके इसमें सीमेंट वाला टैंक में फिर वेट होता है, वेट होके मिक्सर में गिरता है। और ये रहा कंट्रोल रूम, तो चलिए आप लोग कंट्रोल रूम का अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया कंट्रोल रूम एंड ये हो गया डेस्कटॉप और कंप्यूटर है। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका जरिए प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। और भी है, ये हो गया कंट्रोल पैनल, ये पैनल से भी इसको कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। तो चलो, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।